नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस एंड टेरेस गार्डनिंग में। आज मैं आपको अपने गार्डन किचन गार्डन का टेरेस गार्डनिंग का ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा भी कि मैंने अपने टेरेस पे क्या क्या लगा रखा है और किस किस सिचुएशन में, किस किस पोजिशन में कौन कौन से फल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेरे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। ये मेरा गुड़हल का पौधा जो कि मैंने कटिंग से लगाई थी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ ले रहा है। और ये अनार का पौधा है मेरा, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। सारे फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, पर कुछ फ्लावर आप फ्रूट फ्लावर्स देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। और ये मेरा अमरूद का पौधा जो कि मैंने एक गमले में पिछले साल लगाया हुआ था, पिछले साल भी इसमें कुछ फ्रूट्स आए थे, पर इस बार तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है इसकी। हर डाल में फ्रूट्स हैं। ये देखिए कुछ फ्लावर्स तो फ्रूट्स में भी तब्दील हो रहे हैं। इसमें चींटियां कुछ हैं जिनके लिए मैंने नीम ऑयल स्प्रे किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग है इसमें। ये पुदीना मैंने बोतल में लगा रखा है, हैंगिंग बोतल, इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये 4-5 दिन पहले का लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फिर हम ये मेरी भिंडी है, आप देख सकते हैं मेरी भिंडी में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अभी छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें अधिक से अधिक पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और इधर ये मेरी चौलाई है, अच्छी खासी जर्मिनेशन हो चुकी है। अभी ये 6 दिन पहले की लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इसमें ये भिंडी। इधर आप देख सकते हैं ये मैंने 24x24 के ग्रो बैग में कद्दू लगा रखा है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फिर इधर मैंने 12x12 और 12x15 के ग्रो बैग्स में टमाटर, बैंगन, टमाटर में आप देख सकते हैं फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये अब फ्रूट्स में तब्दील होंगे। फिर बैंगन है जी, आप टमाटर या बैंगन को या मिर्च के पौधे को 12x12 के ग्रो बैग्स में, गमलों में लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली इसमें ये सरवाइव करेंगे और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको मिलेगी। ये देखिए मेरा मिर्च 12x12 के गमले में, इधर टमाटर, इधर ये मिर्च। फिर आप देखिए मेरा टमाटर अच्छा हेल्दी पौधा है और फ्लावरिंग भी दे रहा है। इधर मिर्च, ये मेरा जुकीनी का पौधा है, आप देख सकते हैं कितना बूसी हो रखा है और इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जुकीनी मैंने और भी लगा रखे हैं, एक इधर है, ये देखिए इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, छोटे छोटे फ्लावर से फ्रूट बन रहे हैं। ये एक पौधा और जुकीनी का मेरा, 3 गमलों में मैंने जुकीनी लगा रखे हैं और आप देखिए ये फ्रूट्स जुकीनी के। और ये मेरा अंगूर का पौधा, आप देखिए कितना बड़ा है और इसमें आपको हर डाल में अंगूर लगे हुए मिल जाएंगे। ये देखिए ये आप देखिए कितनी अच्छे अंगूर की ग्रोथ है और कितने अच्छे इसमें गुच्छों में अंगूर लगे हुए हैं। हर डाल में आपको ऊपर से नीचे तक अंगूर ही अंगूर देखने को मिलेगा। इधर ये कद्दू का पौधा जो मैंने अपने किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद है, सिर्फ उसी खाद में ही मैंने लगा रखा है एक प्रयोग के तौर पर कि इसका ग्रोथ कैसा होता है बिना मिट्टी के, सिर्फ किचन वेस्ट की खाद से। इधर ये मेरे करेली के पौधे जो कि मैंने लगा रखे हैं, जिसको मैंने लगा दिया, ऊपर मैंने इसका वो तैयार कर दिया है जिसमें कि मेरे जो भी क्रीपर्स हैं पौधे ये उस पर चढ़ेंगे। ये तरुई आप देख सकते हैं, इसमें इतने छोटे पौधे में आप देख रहे हैं कि फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग प्लस फ्रूटिंग। पर हमें
ध्यान रखना है कि हमें इतने छोटे पौधे से फ्रूटिंग लेनी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे पौधे से अगर हम ये फ्रूट देने लग जाएगा, इसको हम इस तरह से कैंची की मदद से काट देंगे, क्योंकि अगर इतना छोटा पौधा हमारा फ्रूट देने लग गया, सभी में आप देख सकते हैं इस तरह से ये अगर फ्रूट देने लग गया तो पौधे का विकास नहीं हो पाएगा, पौधा अपना विकास नहीं करेगा, सारा न्यूट्रिशन उस फ्रूट के लिए चला जाएगा, तो पौधा छोटा ही रह जाएगा, अविकसित रह जाएगा, तो एक से दो फ्रूट दे के ही हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए आप मेरे खीरे की बेल जो कि अच्छी चढ़ रही है, इधर फिर से करेली ये मेरे ऊपर तक पहुंच गई है, इतनी अच्छी ग्रोथ। इसमें दो पौधे मैंने एक एक बैग में दो दो पौधे लगा रखे हैं, ये 18x18 का ग्रो बैग है। इधर करेली, ये मेरी लौकी की बेल है जो कि ऊपर चढ़ रही है। अब ये अभी हमें क्या करना है कि इन बेल वालों पौधों में जो भी एक आपकी मेन बेल होती है वो ही जानी चाहिए, नीचे की जितनी भी बेल हैं आपको उन्हें क्रॉप कर देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी करेली की बेल है, इसमें नीचे से ये बेल निकल रही है, तो हम 2 से 2 फुट तक करेली के पौधे में दूसरी कोई बेल नहीं लेंगे। साइड ब्रांचेज जो होती हैं उन्हें हम कट कर देंगे, कोई भी साइड ब्रांचेज हम इसमें नहीं लेंगे। जैसे कि देखिए ये हर नॉट से निकलती हैं, इन्हें हम कट कर देंगे, इन्हें हम नहीं निकलने देंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इससे होता क्या है कि पौधा जड़ से पहले मजबूत होता है, फिर ऊपर जाने के बाद घना होता है, वहाँ से बूसी होता है पौधा, तो उसकी जड़ें मजबूत रहती हैं, और नीचे से ही कई ब्रांचेज हो जाएंगे तो वो आपकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाती हैं, इसलिए पौधा ज़्यादा निकल नहीं पाता है। ये मेरे खरबूजे के बेल हैं पौधे, आप देख सकते हैं इनमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इधर मैंने कुछ कद्दू के बेल्स और लगाए हैं, मैंने छत पे क्यारी बना रखी है, आप देख सकते हैं बढ़िया अच्छी खासी जर्मिनेशन है और अच्छी खासी ग्रोथ है इसमें। ये मैंने कुछ कुंदरू के कटिंग्स लगा रखे हैं अभी दोस्तों, ये 2 दिन पहले पुरानी है तो अभी इनमें कोई वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है मेरे, मैं आप लोगों को इसका अपडेट भी दिखाऊंगा। इधर ये करेली देख सकते हैं, मेरे हर बेल के पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं, पर मैं अभी इनमें से फ्रूटिंग लूँगा नहीं, सारे फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स निकल रहे हैं सब उन्हें मैं काट दूंगा, ताकि ये पौधे मेरे पहले मजबूत हो जाएं, उसके बाद ये फ्रूट दें तो ज़्यादा बेटर है। ये कद्दू का पौधा आप देख ली कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ मैंने इसको बांध रखा है, यहाँ से ये फैलेगा इन पे चारों तरफ से। इधर मैंने मूली लगा रखी है क्यारियाँ बना के, और ये लाल मूली है, आप देख सकते हैं मूली भी अच्छी तरह से हो रही है। ये इधर ये मेरा नींबू का पौधा है जो कागजी नींबू बोलते हैं, इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग थी पर फ्लावर्स झड़ गए हैं और ये फ्रूट में तब्दील हो रहे हैं। देखिए ये देखिए आप गुच्छों में ऐसे, इसमें फ्लावरिंग तो बहुत थी पर काफ़ी फ्लावर झड़ चुके हैं। ये मेरा अच्छी अंजीर, इसमें नई ग्रोथ है ये, और इसमें फ्रूट्स भी आने लगे हैं दोस्तों। देखिए ये अंजीर का फ्रूट, ये हर डाल में इसी तरह से आ रहा है। इधर ये मेरा आमरस है, काफ़ी हरा भरा है, अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होंगी 1-2 महीने के अंदर, मैं इसका भी अपडेटेड वीडियो आप लोगों को दूंगा। ये मेरा छोटा संतरे का पौधा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है इसमें, इसका सीजन अभी नहीं है, 1-2 महीने में इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, मैं उसका अपडेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये अमरूद का पौधा जो मैंने एक ड्रम में काट के, एक ड्रम को 2 हिस्से में काट के उसमें लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है इसका, कितना बड़ा पौधा है देखिए, और ये बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देता है। फिर ये मेरे बीन्स हैं, इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये मैंने क्यारी बना रखी है छत पे, उसी में लगाया हुआ है,
आप देख सकते हैं ये बीन्स के पौधे छोटे छोटे हैं पर इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये बहुत ही जल्दी हमें बीन्स हार्वेस्ट करने को मिलेगा। ये उसी ड्रम में लगाया हुआ एक और आम का पौधा कितना बूसी है और इसमें भी फ्रूटिंग होने लगी है, आप जैसे कि देख सकते हैं। ये बारहमासी आम का पौधा है जो साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग देता है। ये मेरा इमली का पौधा है जैसे कि मैंने 18x18 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है, बहुत ही हरा भरा है। इसकी मैंने कटिंग की हुई है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी रुकी हुई है, अब इसमें से साइड ब्रांचेस और निकलेंगे और ये पौधा और ज़्यादा घना होगा। और ये सेम का पौधा, ये मैंने बीच से, ये मेरा मेन पौधा है, आप देख सकते हैं कितना पुराना है और अच्छी खासी फ्रूटिंग होती है इसमें। मैंने 2 दिन पहले इससे हार्वेस्ट किया है सेम, और इसी के बीच से मैंने ये एक और पौधा तैयार किया हुआ है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये एक और अमरूद का पौधा मेरा, आप देख सकते हैं गमले में लगा हुआ है और कितना अच्छा कितना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आप अपने छत पे, अपने टेरेस पे इसी प्रकार बेल वाली सब्जियां, लौकी, टमाटर, बैंगन, मिर्चा कुछ भी लगा सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उनसे ले सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, जैसे कि धूप से बचाना, पानी को वाटरिंग ओवर वाटरिंग ना करना या फिर पानी की कमी भी नहीं होने देना है। धूप से बचाने के लिए हमने देखिए शेड नेट लगा रखा है, शेड नेट से ये मेरा 75% का शेड नेट है जो कि मेरे पौधों को धूप से बचाता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।